जबलपुर शहर की आरपीएफ द्वारा अवैध रूप से ई रेल टिकटों का व्यापार करने वाले तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ थाना प्रभारी इरफान मंसूरी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि मझोली में ई रेल टिकटों का व्यापार किया जा रहा है। सूचना पर टीम के द्वारा दबिश देकर मझोली निवासी मनोज पटेल, दीपक विश्वकर्मा और चंद्र प्रकाश कोष्टा पर कार्रवाई की गई। इसमें 225 ई टिकट व कंप्यूटर उपलब्ध किए गए हैं। कहीं ये तीनों आरोपी मझोली क्षेत्र में पिछले 1.5 वर्ष से अवैध रूप से रेलवे टिकट बनाने का कार्य कर रहे थे, जिनकी जानकारी आरपीएफ को मिल रही थी, जिसके बाद आरपीएफ थाना पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी 2 दिन पहले हमारे पास सूत्रों से हमको थोड़ा मुखबिर से पता चला था कि मझोली क्षेत्र में एक काम चल रहा है। तो टीम भेजी थी हमने वहाँ पर, तीन लोगों को करीबन 225 ऐसे टिकट जिनको हमने सेज किया था, उसकी रिकवरी की हम लोगों ने। तकरीबन 2.5 लाख के आसपास उसकी कीमत। सर कुछ जानकारी लगी कब से चल रहा है इनका काम? ये इन लोगों से पूछताछ भी की, ये 2021 से कर रहे हैं। ये तीन आरोपी जो पकड़े गए हैं ये बालिक हैं? हाँ, तीनों बालिक। सर कहाँ के रहने वाले हैं? ये मझोली क्षेत्र में मझोली बाजार से पकड़ा। इन सबकी अपनी अपनी कंप्यूटर दुकानें हैं, मझोली क्षेत्र से ही पकड़ा।